नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाले हैं, जो कि आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में। तो काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का तीसरा चरण कब चालू होगा, तो आज इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि तीसरा चरण चालू होगा या नहीं होगा और होने वाला है तो कब होगा। क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ अफवाहें फैली गई हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का एक नया आदेश आया है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आदेश आया है, उसकी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आदेश में क्या जानकारी दी गई है और तीसरा चरण कब चालू होगा, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं परेशान हो रही हैं कि आंगनवाड़ी में उनके जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, तो लेकिन ऐसा अभी तक यहाँ पर नया अपडेट नहीं आया है। और जो आदेश आया है, आदेश में यहाँ पर क्या जानकारी आई है वो भी यहाँ पर आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का तीसरा चरण चालू होने का इंतज़ार बहुत सारी बहनें कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहला चरण चालू हुआ था उसमें बहुत सारी बहनें रह गई थी, लेकिन फिर दूसरा चरण जो चालू हुआ था उसमें कुछ कंडीशन रखी गई थी, इसी कारण से बहुत सारी बहनों ने आवेदन नहीं कर पाई हैं। इसीलिए यहाँ पर तीसरे चरण का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का तीसरा चरण कब चालू होगा ये सबको इंतज़ार है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का तीसरा चरण अभी यहाँ पर जो है चालू होने की संभावना नहीं है। और ये आदेश जो है, आदेश देख सकते हैं यहाँ पर, ये आदेश आया है, ये आदेश सिर्फ इसलिए बनाया गया है। और ये आदेश में क्या जानकारी दी गई है, आदेश में इतना बताया गया है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जितनी पात्र बहनें हैं उन सभी पात्र बहनों की जानकारी एकत्रित कर ली जाए, ताकि उनको यहाँ पर पता चल सके कि ज़िले में कितनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पात्र बहनें बाकी हैं और यहाँ पर वो लिस्ट अपलोड कर सके। लेकिन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का तीसरा चरण अभी तक चालू नहीं हुआ है और चालू होने का भी आदेश अभी तक नहीं आया है। ये आदेश आया है, ये जिला कलेक्टर कार्यालय से आया है। और इस आदेश में यहाँ पर जानकारी क्या दी गई है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जितनी पात्र बहनें हैं उन सभी बहनों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाकर तैयार करें, ताकि यहाँ पर उनको पता चल सके कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की कितनी बहनें पात्र हैं और उनको यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सभी ज़िले में नहीं हुआ है, ये आदेश है ये नीमच ज़िले का जारी हुआ है। और यहाँ पर जो नीमच ज़िले में इसकी पात्र बहनों की सूची तैयार हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये अफवाहें सभी जगह फैल चुकी हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का तीसरा चरण चालू हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का तीसरा चरण चालू नहीं हुआ है। जैसे ही कुछ अपडेट आती हैं या फिर चालू होता है तीसरा चरण, तो पोर्टल पर जैसे कुछ नया अपडेट आएगा तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, और चैनल पर वीडियो मिलने के बाद आपको तुरंत ही जानकारी मिल जाएगी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पोर्टल चालू हो चुका है। तो जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए आप सतर्क रहिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का तीसरा चरण चालू नहीं हुआ है। अगर आपसे कोई बोलता है कि हम आपका आवेदन कर देंगे तो आपको किसी के भड़काव में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का तीसरा चरण चालू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, जैसे कुछ अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। तब तक आप चैनल पर से जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक वंदे मातरम, जय जवाहर।